दोस्तों, जब भी हमें यहाँ सऊदी अरब के अंदर सैलरी मिलती है, हमें उसको अपनी कंट्री भेजना होता है, तो हम इसकी फिक्र करते हैं कि हम किसके जरिए इसको भेजें कि ज्यादा से ज्यादा रेट मिले और कम से कम फीस में जाए। तो इस वीडियो में आज हम ऐसे ही ऐप के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि ये ऐप जो है अभी मौजूदा टाइम पर सबसे ज्यादा रेट दे रहा है और जीरो फीस में। इससे पहले मैंने आपको यूआरपे के बारे में बताया था, तो आज अगर रेट की बात करें तो अभी अगर आप इंडियन रुपीज की बात करेंगे गूगल पर, नेट पर, तो लगभग 20.09 रुपए दिखा रहा है एक रियाल का। इसके अलावा यूआरपे जो है वो 19.80 रुपए दिखा रहा है। इसके अलावा जो एसटीसी पे है वो 19.72 रुपए दिखा रहा है, लेकिन साथ में वो 17.5 रियाल आपसे चार्ज भी काटेगा। यूआरपे फ्री भेज रहा है, 1% कैशबैक उसका ऑफर अभी चल रहा है। इससे पहले 28 फरवरी तक वो 5% कैशबैक देता था, यानी कि 100 रियाल में आपको 5 रियाल रिटर्न मिलता था, लेकिन अभी वो 1 रियाल ही रिटर्न देगा। लेकिन जिस ऐप के बारे में अभी आपको बता रहा हूं, वो ऐप अभी मौजूदा टाइम पर सबसे ज्यादा रेट दे रहा है और जीरो फीस में। गूगल पर 20.09 रुपए दिखा रहा है, लेकिन वो ऐप आपको देता है 19.94 रुपए। अब ये रेट बहुत ज्यादा दे रहा है, इसलिए बहुत सारे दोस्त इस पर शक कर रहे हैं, उनको डाउट है कि कहीं हम भेजें इससे पैसा हमारा फंस गया, फेक है या कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को बता चलूं कि ये ऐप जो है ये पावर्ड बाय सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक है, यानी सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इसको सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन ये सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक का ऐप नहीं है। मैं बात कर रहा हूं इस ऐप की। आप इस ऐप को कैसे खोलेंगे, इसके लिए आपको जाना होगा गूगल प्ले स्टोर में, और वहां पर आपको जाकर इस तरह से लिखना है फ्रेंडी पे। फ्रेंडी पे लिखकर इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आगे किस तरह से इसको यूज करेंगे देखते हैं स्क्रीन पर। डाउनलोड करने के बाद में इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद में जब आपके सामने ये इस तरह से ओपन हो जाए तो इसको यहाँ पर नेक्स्ट करते हुए चले जाएं, और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसकी भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए आप यहाँ पर पहुंचेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, और अगर आपके पास फ्रेंडी का मोबाइल नंबर है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि ये फ्रेंडी का ही ऐप है और इसमें आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरा कोई मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको हो सकता है ज्यादा तामझाम करना पड़े। मेरा दूसरा मोबाइल नंबर है, आपका फ्रेंडी का हो तो ज्यादा अच्छा है। मैंने दूसरा मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हम यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद ये पहुंच जाएगा अगले पेज पर। अगले पेज पर पहुंचने के बाद में यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी इकामा आईडी डालनी है, और उसके बाद में नीचे डेट ऑफ बर्थ जो कि आपके इकामे में लिखी हो सेम वही डालना है। तो ऊपर अपना इकामा नंबर डालें और नीचे डेट ऑफ बर्थ डालें, उसके बाद यहाँ नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना है, और ये पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि जब आप ये पासवर्ड डालेंगे तभी आपका ये ऐप दोबारा ओपन होगा। तो पासवर्ड यहाँ पर कैसे बनाना है, नीचे लिखा हुआ है, कम से कम 8 अंकों का होना चाहिए, उसमें एक बड़ा लेटर होना चाहिए यानी कि कैपिटल, इसके अलावा उसमें एक नंबर यानी कि गिनती भी लिखी होनी चाहिए। तो इस तरह से 8 अंकों का कम से कम या 9-10 अंकों का जैसा भी आपको जमे वो बना दें, और वही पासवर्ड सेम नीचे भी आपको डालना है जहां कंफर्म पासवर्ड लिखा हुआ है। और सही पासवर्ड चेक करने का तरीका यह है कि जब आप इसके मुताबिक पासवर्ड बना लेंगे तो यहां पर देखें तीनों लाइनें जब सही हो जाएंगी तो समझ लें कि आपका पासवर्ड जो है बराबर बन चुका है, और दोनों पासवर्ड सेम रहना चाहिए। अगर आपको कुछ डाउट लगे तो यहां पर जो आई आंख बनी हुई है इस पर क्लिक करके आप दोनों पासवर्ड जो देख सकते हैं। तो दोनों चेक कर लें कि दोनों सेम है, तो नीचे यहां आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक कर दें, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, उसके बाद इस पेज पर बिगिन सेटअप पर क्लिक कर दें, और यहां पर क्लिक करेंगे तो ये हमसे लोकेशन का एक्सेस मांग रहा है। तो अगर आप कभी मांगे तो आप भी उसको अलाउ कर दें, क्योंकि अगर अलाउ नहीं करेंगे तो ये चलेगा नहीं। तो मैंने यहां पर अलाउ कर दिया, उसके बाद में आप पहुंचेंगे इस पेज पर। यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन है अपने आप को वेरीफाई करवाने के लिए, तो अगर आपके पास अवसर है तो आप उससे करवा सकते हैं ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। दूसरा ऑप्शन इसके लिए यह है कि आप किसी फ्रेंडी के एजेंट के पास जाएं, उससे कहें कि मुझे ये अकाउंट जो है एक्टिवेट करवाना है फ्रेंडी पे का। तो उसके पास बायोमेट्रिक मशीन रहती है जहां पर वो फिंगर वगैरह लेते हैं, तो वहां से वो आपको वेरीफाई करके आपका ये अकाउंट जो है फ्रेंडी पे का एक्टिवेट कर देंगे। लेकिन आसान हमारे लिए यही है कि हम इसको अपने अफसर से वेरीफाई करवाएं। तो कौन जाएगा इधर उधर ढूंढने एजेंट को, हम अपने अफसर से ही इसको वेरीफाई करवाएंगे। तो मैंने यहाँ अफसर वाले ऑप्शन पर क्लिक किया। वहां पर क्लिक करने के बाद में हम पहुंचेंगे इस पेज पर। यहाँ पर आप देख लें अपना इकामा आईडी और डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें। ये दोनों चेक करने के बाद में नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आप पहुंच जाएंगे नफाद की वेबसाइट पर। तो यहाँ पर जैसे कि हमेशा आप कोई भी काम करते हैं तो ये करना होता है, तो यहाँ पर ऊपर वाले में आपको अपने अफसर का यूजर नेम डालना है, या आप अपना इकामा नंबर भी डाल सकते हैं। नीचे अपने अफसर का पासवर्ड डालें और उसके बाद में यहाँ पर क्लिक करना है, ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन होता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हम यहाँ पर डालकर नीचे जो ग्रीन वाली पट्टी है उस पर क्लिक कर देंगे।
यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये थोड़ा सा टाइम लेता है, बफर होता है, और अभी ये हमको वेरीफाई कर रहा है। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं वेरिफिकेशन लिख कर आ रहा है, और अभी यहाँ ऊपर भी लिख कर आ गया है यूअर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज सक्सेसफुल। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट जो है वेरीफाई हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें अपनी इनकम का सोर्स बताना है, तो यहाँ सैलरी पर क्लिक हुआ है, उसको ऐसे ही रहने दें। आप चाहें तो कोई दूसरा ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर अपनी इनकम बतानी है, तो यहाँ कम से कम जो ऑप्शन है वो 5000 और उससे कम, यानी 5000 और लेस, तो हमें वही चूज करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको प्रोफेशन चूज करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में अपना प्रोफेशन देख लें, जो भी आपका प्रोफेशन हो वो उसमें लिख दें। उसके बाद नीचे कंपनी का नाम लिखना है, कुछ भी आप वहां पर लिख सकते हैं जो भी आपकी कंपनी हो। कफील का नाम भी आप लिख सकते हैं अगर आप प्राइवेट एम्प्लॉयर हैं तो, और प्राइवेट भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहां नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, और अब हमारा अकाउंट जो है वो कंप्लीटली तैयार हो गया है। अब हम इससे जो भी चाहें वो कर सकते हैं, यानी कि पैसे भेजने वगैरह। तो अब यहां पर सबसे पहले आपको देखना है कि हम इसमें पैसे कैसे ऐड करेंगे, यानी इसमें पैसा कैसे डालेंगे जिससे हम कहीं भेज सकें। तो यहां एडेड मनी का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको पैसा लिखना है, यानी कितने रियाल आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिख दें। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर 100 रियाल लिखा है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी लिख सकते हैं। तो जब आप पैसे लिखकर रुक जाएंगे तो फिर ये अपने आप थोड़ा सा बफरिंग करेगा, उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिखाएगा। अभी आप ऊपर देख लें कि फीस कुछ भी नहीं लग रही है पैसा ऐड करने के लिए, 100 रियाल बता रहा है, और उसके बाद नीचे चूस मेथड पर हम क्लिक करेंगे। वहां पर क्लिक करने के बाद में हमें दो ऑप्शन मिल रहा है, वाया कार्ड वाया सेल्स एजेंट। ये सेल्स एजेंट वाला जो ऑप्शन है ये फ्रेंडी पे की ऑफिस में आप जाएं जहां पर भी इसके एजेंट हो, वहां से जाकर आप अपने पैसे जो है इसमें ऐड करवा सकते हैं। आप उनको पैसे दीजिए एजेंट को और वो आपके फ्रेंडी पे में ऐड कर देगा। दूसरा ऑप्शन जो है वही हमारे लिए आसान है, यानी हम कार्ड से ही पैसा ऐड करेंगे। तो यहां वाया कार्ड पर हम क्लिक कर देंगे। वाया कार्ड पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा, यहां एडिट कार्ड पर आपको क्लिक करना है। एडिट कार्ड पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको ऊपर अपने कार्ड का नंबर डालना है, यहाँ पर अपने कार्ड का नंबर डालें, उसके बाद उसके नीचे एक्सपायरी डेट डालें, और फिर यहाँ पर CVV नंबर डालें, और सबसे नीचे नेम ऑफ कार्ड होल्डर, यानी कि कार्ड के ऊपर जिसका नाम लिखा है वो डालें। आपका अपना कार्ड हो तब भी हो जाएगा, दूसरे के कार्ड से आप करवा रहे हैं तो उससे भी हो जाएगा। जैसे बहुत सारे दोस्तों के पास अपना मादा कार्ड नहीं होता, तो अगर आपके यार दोस्त में से किसी के पास हो तो आप उसको कैश में पैसे दे दीजिए और उसके कार्ड से इसमें पैसे एडिट कर लीजिए, आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें डालने के बाद में आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा घूमेगा और उसके बाद में आपको एक ब्राउजर चूज करने के लिए कहेगा, तो जो भी ब्राउजर आपके फोन में हो जिससे भी आप इसको करना चाहते हैं वो चूज कर लें। मैं यहां क्रोम पर क्लिक करके जस्ट वन पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद में हमारे कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर लगा होगा, यानी जिस कार्ड से हम यहां पर पैसे ऐड कर रहे हैं, उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP हम यहां इस वाले कॉलम में डाल देंगे और नीचे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद में हमारा पैसा ऐड हो जाएगा। तो पैसा ऐड करने का तरीका आपने देख लिया, अब देख लेते हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रांसफर कैसे करेंगे। तो अब हम बैक होकर जाएंगे अपने होम पेज पर। होम पेज पर जाने के बाद में सबसे पहले यहां पर हमें मनी ट्रांसफर पर क्लिक करना है। अब मनी ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो आपको एक बेनिफिशियरी ऐड करना होगा, तो सबसे पहले बेनिफिशियरी ही ऐड कर लेते हैं। तो यहां ऊपर जो प्लस वाला मार्क है उस पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इसमें से कोई कंट्री आप चूज करें जहां भी आप पैसा भेजना चाहते हैं, तो मैंने यहां इंडिया चूज कर लिया है। उसके बाद आपके सामने ये पेज आएगा, यहां पर भी आप क्लिक कर दें और यहां पर आपको बैंक डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले यहां पर आपको डालना है बैंक का नाम, तो आप क्लिक करेंगे बैंक नेम पर, तो इंडिया के जितनी भी बैंक के होंगी लगभग सारों के नाम यहां पर आएंगे। तो आप जो भी बैंक में पैसा भेजना चाहते हैं, जिसका भी बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं, उनका जिस भी बैंक में खाता हो वो बैंक यहां पर चूज कर लें। तो मैं यहां पर एक बैंक चूज कर लूंगा। उसके नीचे IFSC कोड का ऑप्शन है, तो वहां पर हम IFSC कोड डाल देंगे। उसके बाद है रिसीवर अकाउंट नंबर, तो जिसका भी अकाउंट आप ऐड कर रहे हैं उसका अकाउंट नंबर यहां पर डाल दें। फिर है परपोज फॉर ट्रांसफर, तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो कई ऑप्शन जो मिल रहे हैं इसमें से वो सही नहीं है, आप इसमें पर्सनल वाले पर क्लिक कर दें। उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर रिसीवर इंफॉर्मेशन डालनी है, यानी जिसका अकाउंट आप ऐड कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन। तो यहां सबसे पहले उसका फर्स्ट नेम लिखना है और उसके बाद में नीचे रिसीवर मिडिल नेम है, तो रिसीवर मिडिल नेम, चूंकि इंडिया में बहुत लोगों का मिडिल नेम नहीं होता तो आप मिडिल नेम नहीं भी डालेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आपको लास्ट नेम जरूर डालना है। तो फर्स्ट नेम और
लास्ट नेम जरूर डालें। इसके बाद नेशनलिटी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो तमाम देशों के नाम आएंगे, जिस भी देश के वो नागरिक हों वो चूज कर लें। हमने यहाँ पर इंडिया का चूज किया था तो इंडिया ऊपर ही है, मैंने वो चूज कर लिया। उसके बाद है कस्टमर रिसीवर रिलेशनशिप, यानी जिसकी आप बेनिफिशियरी ऐड कर रहे हैं उसके साथ में आपका क्या रिश्ता है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो फैमिली फ्रेंड का ऑप्शन है, अगर आपके घर का है तो फैमिली पर क्लिक कर दें, और अगर आपका दोस्त है तो फ्रेंड पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर मैं अपने घर का ही एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ फैमिली पर मैंने क्लिक कर दिया। उसके बाद है रिसीवर मोबाइल नंबर, तो जो भी उनका मोबाइल नंबर हो वो वहां पर डाल दें, उसके बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आप इस पेज पर पहुंचेंगे, यहाँ पर आपकी पूरी जानकारी होगी। आप इसको अच्छी तरीके से चेक कर लें कि आपने जो डाला है वो सही है। अगर आप मुतमइन हो जाएं कि हाँ सारी जानकारियां सही हैं, तो नीचे सेव रिसीवर पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी बेनिफिशियरी जो है वो ऐड हो गई है, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये पेंडिंग बता रहा है। तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर एक कॉल आएगी इसको कंफर्म करने के लिए। आप देख भी सकते हैं कि कॉल आ चुकी है, तो इसको हम रिसीव कर लेंगे। रिसीव करने के बाद में ये आपसे कहेगा कि अगर आपने बेनिफिशियरी ऐड की है, कंफर्म करना चाहते हैं तो एक दबाएं। तो हम यहाँ पर एक दबा देंगे, उसके बाद हमारी बेनिफिशियरी जो है ऐड हो जाएगी। अब तमाम दोस्त इसका भी ध्यान रखें, ये जो कॉल आएगी तो ये आपसे ये नहीं कहेगा कि ये कॉल आई है फ्रेंडी पे की तरफ से, ये आपसे कहेगा कि सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक में आपने एक बेनिफिशियरी ऐड की है, और अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो एक दबाएं। ये मैं आपको इसलिए क्लियर कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर वो बाद में पूछेंगे भाई ये तो ये बता रहा है ये तो ये। शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि ये सऊदी इन्वेस्टमेंट बैंक के सहयोग से ये ऐप चलाया जा रहा है। तो कॉल जब कट जाए तो आप इसको एक बार बंद कर दें, क्योंकि अगर आप कॉल कटने के बाद में फिर से ओपन ही रखेंगे तो ये बहुत टाइम लेता है, बफरिंग बहुत करता है, घूमता रहता है। तो इसलिए जो है आप लोग बंद कर दें, दोबारा चालू करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, तुरंत चालू हो जाएगा। तो ऐप ओपन करने के बाद में फिर ये आपसे पासवर्ड मांगेगा, जैसे कि शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि आपको पासवर्ड बनाना है और यही पासवर्ड डालकर हर बार ऐप ओपन करना है। तो जब आप यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे, सही सही पासवर्ड डाल देंगे, तो नीचे साइन इन का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आप फिर से अपने इस फ्रेंडी पे में पहुंच जाएंगे। तो आप लोगों ने देख लिया कि हमें पैसा कैसे इसमें ऐड करना है फ्रेंडी पे में, इसके अलावा बेनिफिशियरी कैसे ऐड करनी है। अब देखते हैं कि हमें पैसा कैसे भेजना है, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसफर कैसे करना है। तो हमें यहाँ ट्रांसफर मनी पर क्लिक कर देना है। ट्रांसफर मनी पर आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंचेंगे इस पेज पर, यहाँ पर जो भी आपने बेनिफिशियरी ऐड की होगी वो आपके सामने दिखेगी। तो मैंने एक ही किया था अभी एग्जांपल के लिए आप लोगों को दिखाने के लिए। तो यहाँ पर जो भी बेनिफिशियरी मैंने ऐड की है उस पर हम क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कितना पैसा भेजना चाहते हैं। तो जितना भी पैसा आप यहाँ पर भेजना चाहते हैं ऊपर क्लिक करके वहां पर लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर 1000 रियाल लिख दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका रेट 1 रियाल का 19 रुपए 92 पैसे बन रहा है। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लें कि अगर जैसे आप रियाल में नहीं बल्कि इंडिया के हिसाब से पैसे भेजना चाहते हैं, जैसे कुछ लोग राउंड फिगर पैसा भेजना चाहते हैं कि मुझे 20,000 या 30,000 भेजना है, तो देखें ऊपर दो ऑप्शन है INR का और SAR का, सार का। तो अगर सार वाले पर ब्लू रहेगा तो वो रियाल में बताएगा, यानी जैसे अभी SAR पर ये ब्लू कलर है तो अभी ये 1000 रियाल है। अगर आप ऊपर INR पर क्लिक करके फिर आप पैसे लिखेंगे तो वो इंडियन रुपीज बताएगा। जैसे कि आप INR पर क्लिक कर दें उसके बाद यहाँ पर 20,000 लिख देते हैं, तो 20,000 का जितना भी बनेगा वो रियाल में कटेगा, लेकिन वहां पर पूरा पूरा 20,000 ही जाएगा। तो इस तरह से करने के बाद में नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कई ऑप्शन मिल रहे हैं, तो यहाँ हम पर्सनल अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वो OTP हम यहाँ पर डाल देंगे और हमारा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो आज लगभग 1 तारीख है और उम्मीद करते हैं कि 2-4 दिनों में 10 दिनों में सबकी सैलरी जो है मिलने ही वाली होगी। तो तमाम दोस्त जो है इसको एक बार जरूर ट्राई करें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी कोई सवाल रहे तो कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में और नई जानकारियों के साथ।